क्रिएटा के फाइनली सारे जो कलर्स हैं लीक हो चुके हैं और सारा डिज़ाइन है बाहर आ चुका है क्योंकि गाड़ी के यहाँ पे मल्टीपल कलर्स हमें डिज़ाइन पूरा क्लियरली देखने के लिए मिलेगा तो सारा कुछ दिखाने वाले हैं आपको इसी वीडियो के अंदर तो प्लीज़ वीडियो के अंदर बने रहना क्या प्राइस होने वाला है लॉन्च डेट क्या होने वाली है सारा कुछ बताने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर तो यहाँ पर सबसे पहले क्रेडिट चला जाता है यहाँ पे बैगा वाला डिज़ाइंस को जिनकी वजह से ये वीडियो आई है उन्होंने ये वीडियो बनाई है तो क्रेडिट सारा उनको चला जाता है तो सबसे पहले अगर गाड़ी के लुक्स को देखें फ्रंट से रियर से ये एक थोड़ा सा लाइक ग्रेस सा कलर है तो काफ़ी ज़्यादा अलग यूनिक सा जो डिज़ाइन है वो लग रहा है यही आपको नेक्सोन के अंदर भी ये वाला कलर देखने के लिए मिला था तो अगर ब्लैक के अंदर देखें तो इस तरह की जो गाड़ी होने वाली है काफ़ी ज़्यादा ब्लैक ये जो गाड़ी लग रही है ब्लैक के अंदर सबसे ज़्यादा माफिया जो गाड़ी लग रही है देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया डिज़ाइन लग रहा है इसका सिल्वर का जो यूज करा गया है ना ऊपर की तरफ रूफ रेल्स के नीचे वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जो डिज़ाइन में लग रही है गाड़ी रियर के लुक से देखें तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है मज़ेदार है जो गाड़ी लग रही है अब इसके अलग अलग मल्टीपल कलर्स की बात कुछ कलर इसमें से रियल होंगे कुछ कलर्स नहीं आएंगे तो इस तरह की जो गाड़ी है वो पूरी होने वाली है और इसको जो डी आर का पैटर्न है वो भी एकदम अलग निखर के आ रहा है टेल लाइट्स का पैटर्न है वो भी अलग से ही देखने के लिए मिल रहा है तो डिज़ाइनस के अंदर जो ये बनाया गया है यहाँ पे रेंडर से बनाए गए हैं इसके अंदर गाड़ी देखे तो एकदम बीस्ट है जो गाड़ी लग रही Yeah. अब गाड़ी का यहाँ पे ना और कलर्स भी हमें देखने के लिए मिले जो कि इनका डिज़ाइन है वो कि ऑफिशियल डिज़ाइन हमें देखने के लिए मिला है तो ऑफिशियल डिज़ाइन की बात करें तो गाड़ी जो हमें देखने के लिए मिल रही है वो अलग ही कलर के अंदर देखने के लिए मिली है अगर कलर्स की बात करें तो हम यहाँ पे जो कलर्स इनके जो दिखाए जा रहे हैं डिज़ाइन के अंदर वो भी काफ़ी परफेक्ट कलर हमें देखने के लिए मिल रहे हैं वाइट के अंदर हमने ये गाड़ी अभी तक देख ली है और साथ ही साथ हमने ब्लैक के अंदर ये गाड़ी देख ली है जो कि टीज़र के अंदर हमें देखने के लिए मिली थी ये गाड़ी तो टीजर के

तो उसमें लोग कह रहे थे कि नहीं यार ये तो फेक वीडियो है फेक न्यूज़ है भाई अगर आपको विश्वास नहीं होता ना मैंने वहाँ पे बताया था कि होंडाई की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके आप देख सकते हो तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको ये गाड़ी देखने के लिए मिलेगी ये कलर जो इनका तो ये कलर हमें जो नया कलर इनका देखने के लिए मिल रहा है तो ये कलर के अंदर गाड़ी आने वाली है इंटीरियर से भी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है वो होने वाली है जो कि मैंने बताया था कि इंटीरियर के अंदर भी काफ़ी धमाल ये गाड़ी करने वाली है रियर डिज़ाइन से ये जो डिज़ाइन हमें देखने के लिए मिल रहा है तो ये ंडाई की ऑफिशियल वेबसाइट से ये जो इमेज है वो हमें देखने के लिए मिल रही तो उन्होंने ऑफिशियल जो कलर है अपना ये जो डार्क ग्रीन के अंदर जो ये कलर है हमें देखने के लिए मिला तो इमेजेस की बात करें तो ये रियल इमेजेस हमें देखने के लिए मिली थे पहले तो ये वहीं से भाई इनके जहाँ लॉन्च इवेंट है वहीं से ये ऑफिशियल इमेज है वो लीक हो गई या करा दी गई वो हमें वहाँ से पता चली गया वो देखने के लिए मिला तो अब चले तो इस गाड़ी का जो नया कलर है वो जो देखने के लिए मिल रहा है तो ये कलर काफ़ी ज़्यादा एकदम यूनिक कलर इस कार के अंदर होने वाला है और ये कार के अंदर कभी ये कलर है, जो ग्रीन ये डार्क ग्रीन के अंदर जो थोड़ा सा देखने के लिए मिल रहा है तो ये कलर हमें कभी भी देखने के लिए नहीं है मैं मिला इसका नाम वैसे रिबूट्स पैरल या पैनल कुछ करके इसका नाम है जो होने वाला है उनके ऑफिशियल वहाँ पे उन्होंने भी बताया था कि इसका नया कलर जो आने वाला है जो शोरूम वाले उन्होंने बताया एक खाकी रेंजर खाकी कलर है वो भी आने वाला है तो ये दो नए कलर हैं इंट्रोड्यूस करे जाएंगे बाकी आपके ब्लैक हो गया आपका रेड हो गया तो आपका वाइट हो गया तो ये सारे कलर्स हमें पहले की तरह से ही देखने के लिए मिलने वाले हैं एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो इस गाड़ी के अंदर बना देती है आपको पैनानोमिक सन रूफ सेवेंटी प्लस सेफ्टी फीचर्स गाड़ी के अंदर इंट्रोड्यूस करे गए हैं थ्री सिक्सटी डिग्री कैमरा और आपके मतलब सेफ्टी के परपस से इतनी ज़्यादा सेफ़ ये गाड़ी है जो बनाने की पूरी पूरी कोशिश करी गई है फ्रंट का डिज़ाइन ले लो फ्रंट के डिज़ाइन से भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन ये गाड़ी लग रही है इसका जो आ, बहुत से लोग कह रहे हैं कि गाड़ी का भाई वेन्यू जैसे बना दी है ट्यूसोन जैसे बना दिए कुछ कुछ इसका उनको डिज़ाइन इतना पसंद नहीं आया अब देखो डिज़ाइन उन्होंने हालांकि अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है चेंजेस करने की कोई भी अगर काम करता है तो पूरी कोशिश करता है कि भाई गाड़ी उन्हें पसंद आए तो हर लोगों का भाई अलग अलग देखने का नज़रिया होता है गाड़ी को किसी को पसंद आती है किसी को नहीं आती अब जैसे नेक्सोन का फेसलिप निकाला तो भाई बहुत से लोगों को पसंद आया नाइन्टी लोगों को तो भाई किसी को आता है किसी को नहीं आता अभी अब इनका जो इंटीरियर गाड़ी का वो क्या कमाल नहीं बनाया इंटीरियर भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है वो बनाया इंटीरियर मेरे को सबसे ज़्यादा इसका जो लग्जरी लगा दोनों स्क्रीन को आपको एक ही जोड़ के जो दे दिए आपकी इन्फोटेनमेंट हो गए साथ ही साथ डिजिटल इंस्ट्रोमेंटल क्लस्टर हो गया दोनों की स्क्रीन को एक करके दे दिया तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं करा गया है फे स्लिप के अंदर काम करा गया है और लोगों का अलग अलग नज़रिया है वो होता है देखने का इंजन ऑप्शन की बात करते तो यहाँ पे तीन इंजन ऑप्शन मिलेंगे एक तो नेचुरली एस्पिरेटेड मिलेगा पेट्रोल के अंदर और एक आपको टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा और साथ ही साथ एक आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन देखने के लिए मिलेगा जिसमें आपको पेट्रोल की बात करें सेवन स्पीड डी सी गेयर बॉक्स मिल जाएगा ए मिल जाएगा और आई वी इस तरह के जो सेवन स्पीड डी वो है सारा कुछ देखने के लिए मिल जाएगा तो गाड़ी के बारे में भाई इतनी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको पता चली हैं तो कैसी लगी आपको ये इंटरेस्टिंग वीडियो अगर लॉन्च डेट की बात करें तो 16 तारीख को ये गाड़ी है जो लॉन्च होने वाली है लगभग शाम को ये चार बजे के समथिंग लॉन्च होने वाली है ये गाड़ी अभी मेरे एक फ्रेंड है जिन्होंने मेरे को बताया था तो हो सकता है ऑफिशियल न्यूज़ वहीं से आई हो ऑफिशियल तो उसकी वजह से ये गाड़ी है जो लॉन्च है तब होगी तो आप बताओ आपको कैसी लगी आज की ये इंटरेस्टिंग न्यूज़ वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कर देना इस जोड़ी चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बाकी गाइज मिलेंगे हम एक एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ ओके टाटा बाय बाय जय हिंद